तो दोस्तों हमारी बियर को फर्मेंट होते हुए 6 दिन हो चुके हैं। तो दोस्तों अभी हम इसकी ग्रेविटी चेक करके देखते हैं कि इसकी अभी ग्रेविटी क्या है। यह देखिए दोस्तों 6 दिन में इसका ग्रेविटी 1020 हो चुका है। तो दोस्तों अभी इसको 1-2 दिन और मैं पड़ा रहने दूंगा और बाद में दोस्तों इसको मैं बॉटलिंग करूंगा। तो चलिए दोस्तों फिलहाल इसको 1-2 दिन के लिए ऐसे छोड़ देते हैं। जब इसका फाइनल ग्रेविटी 1015 से नीचे चला जाएगा तो फिर दोस्तों हम इसको बॉटलिंग करेंगे। फिलहाल इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो दोस्तों मैंने परसों रात को इसका ग्रेविटी चेक किया था, तो दोस्तों आज इसको मैं बॉटलिंग करने जा रहा हूँ अभी। तो दोस्तों अभी इसका फाइनल ग्रेविटी 1015 के आसपास जहाँ उससे नीचे होगा तो इसको दोस्तों अभी मैं बॉटलिंग कर लेता हूँ। तो दोस्तों देखिए मैंने बियर की सभी बोतलों को अच्छे से सैनिटाइज कर लिए हूँ। तो दोस्तों अभी हम इसमें बियर डालेंगे। तो दोस्तों मैं बॉटलिंग करने के लिए ये देखिए फिल्टर पाइप का उपयोग करने जा रहा हूँ, इससे बॉटलिंग करना आसान हो जाता है। तो दोस्तों मैंने सभी बियर को बोतलों में डाल दिए हूँ। अभी दोस्तों इसके ऊपर मैं कैप लगाऊंगा। ये देखिए दोस्तों ये कैप मशीन है, ये दोस्तों अमेजोन से भी मिल जाती है। दोस्तों अमेजोन से थोड़ा महंगा मिलती है ये मशीन, तो अगर आपको ये सस्ता में चाहिए हो तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको जो है अपने दोस्तों से दिलवा दूँगा। दोस्तों इससे कैप लगाना बहुत आसान हो जाता है। आप दोस्तों आम कांच की बोतल भी उपयोग कर सकते हो बियर डालने के लिए, लेकिन मैं जो स्पेशल बियर वाली बोतलें उपयोग करने जा रहा हूँ, आप किसी और बोतल में भी डाल सकते हो। तो दोस्तों मैं सभी बोतलों के ऊपर कैप लगा दिए हूँ। तो दोस्तों अभी इन बोतलों को 15 दिन के लिए ऐसे पड़े रहने देने का है। तो दोस्तों 15 दिन तक इनमें CO2 गैस पैदा हो जाएगी, तो इसलिए दोस्तों इनको 15 दिन छोड़ देना होता है। तो दोस्तों अभी बहुत रात हो चुकी है, नहीं तो दोस्तों अभी मैं आपको टेस्ट करके बताना था कि इसका टेस्ट कैसा आया है। तो दोस्तों मैं 1-2 दिन तक इसका टेस्ट करके बताऊँगा कि ये हमारा बियर कैसा बना है। बाकी दोस्तों 15 दिन बाद भी आपको दिखाऊंगा कि इसका कलर और फ्लेवर में कैसा फ़र्क आ जाता है 15 दिन बाद, जब इसमें CO2 गैस पैदा हो जाती है तो ये क्लियर भी हो जाएगी 15-20 दिन बाद जब हम इसको खोलेंगे जिस बोतल को। तो चलिए दोस्तों फिलहाल इसको ऐसे छोड़ देते हैं, आपको मैं 1-2 दिन तक इसका टेस्ट करके बताऊँगा। धन्यवाद दोस्तों।